14 लाख में सेटिंग हो रहा है, 12 लाख में सेटिंग हो रहा है, वो पढ़ने पे कम फोकस और सेटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा था। जहां तक हमें उम्मीद है भाई कि अब दुर्गा पूजा के बाद ही आपका एग्जाम होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, थोड़ा फीवर से जूझ रहे हैं और गए थे बीरपुर दिखाने के लिए, बट कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है यार यहाँ पे। इंजेक्शन पड़ा है तो पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। आप लोग के लिए खुशखबरी है कि बिहार पुलिस 21,391 वाला वैकेंसी का जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। पिछला वीडियो हमने बनाया था बिहार पुलिस से रिलेटेड कि भाई क्वेश्चन लीक हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप लोगों का बस एक ही कमेंट था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। तो अब आप लोग के लिए एक खुशखबरी आ गया है, ठीक है। हम डिस्प्ले पे लगा देंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बोर्ड का नोटिस है वो CSBC का, कि समय रहते हुए आपका 1 अक्टूबर का दोनों पालिका एग्ज़ाम स्थगित कैंसिल कर दिया गया, और 7 अक्टूबर को और जो 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। यानी कि आपका 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था दोनों पालिका, 7 को भी और 15 को भी, वो अब नहीं होगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगले आदेश का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट में यही होता है, आदेश का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ तक हमें लगता है भैया कि आप लोगों को पढ़ने का समय मिल गया, ठीक है। और जितना भी सॉल्वर गैंग था जहाँ तहाँ से मतलब पकड़ा रहा था, सबसे ज़्यादा बेगूसराय से सॉल्वर गैंग पकड़ाया, उसके बाद आपका हो गया छपरा से। देखिए, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें न्यूज़ आते रहता है, ठीक है। तो पता चलते रहता है कि कहाँ पे कौन पकड़ाया, कहाँ पे कितना पकड़ाया। और सॉल्वर गैंग जितना था, मतलब सबसे ज़्यादा कंकड़बाग पटना में भी, वहाँ पे भी उठाया था, आज से 1-2 दिन पहले उठाया था, ठीक है। तो अब उम्मीद एक फिर दोबारा जगह है आप लोगों में, और हमें भी लग रहा था यार, हम भी मतलब अफसोस कर रहे थे इस चीज़ का कि यार मतलब क्वेश्चन लीक कैसे हो गया, ये वो। इतना लड़का लोग मेहनत करता है, लड़की लोग मेहनत करती है, बस एक ही था। और पता है, एक सवाल आप लोग का ये भी था यार कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, हम लोग इतना पढ़े थे, इतना मेहनत किए थे। मेरे दोस्त, हमें मालूम है आप लोग कितना पढ़े थे, ठीक है। जो मतलब कि सेटर खोजता था ना, जो हमारे कमेंट में लिखता था कि भैया 14 लाख में सेटिंग हो रहा है, 12 लाख में सेटिंग हो रहा है, वो पढ़ने पर कम फोकस और सेटिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है। वो भी लिख रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, तो समझ में आता है वो सब चीज़। अब आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और अगले आदेश तक आपका इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है भाई कि अब दुर्गा पूजा के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर दुर्गा पूजा के बाद आपका एग्ज़ाम होगा तो फिर आपके एग्ज़ाम सेंटर पर फिर आपका भाई मिल जाएगा। तो जितने भी अदर स्टेट के हैं वो लोग भी खुश हो जाइए, ठीक है। बिहार है, थोड़ा सा समय लगता है, और देखिए जाँच पड़ताल होते रहता है। इससे पहले जो CSBC के चेयरमैन साहब थे SK सिंघल साहब जी, वो मतलब एक वीडियो जारी किए थे, उसमें बोले थे कि मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, ये वो फलना चला, लेकिन इतना न्यूज़ पे चला वो डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर की जो वायरल हुआ था, मतलब लीक हुआ था, वो टोटल दिखा रहा था, हर एक न्यूज़ चैनल पे दिखा रहा था, जिसके वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जीत है, ठीक है, और खुशी मनाइए, अब आप लोग को पढ़ने का समय भी मिल गया है। और आशा करते हैं भाई कि आपका अब की बार जो एग्ज़ाम हो, मतलब जितने दिन में एग्ज़ाम हो, 10 दिन में एग्ज़ाम हो, 15 दिन में एग्ज़ाम हो, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है भाई कि अभी फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आप लोगों के पास समय मिल गया पढ़ने का, तो पढ़ने पे मन फोकस करना है, ठीक है। और जो हमें कुछ भी बोलते थे भाई, अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे लड़का और लड़की लोग ऐसे हैं, एक तो हमें इंस्टाग्राम में बोल रहे थे कि भैया हम 94 क्वेश्चन रंग के आए हैं, एकदम एक्यूरेट मार के आए हैं 92, तो हम बोले इसमें सही कितना हो सकता है, तो वो बोलता है कि भैया अगर कितना भी कुछ होगा ना तो कम से कम 80-82 को सही होगा ही। तो हम समझ रहे थे कि यार 80-82 अगर क्वेश्चन सही होगा तो उसका मतलब कि समझ लीजिए कि रिजल्ट पक्का है, ठीक है। तो अभी वो क्या मैसेज किया है कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब क्या करें। तो हम पूछे थे कि एग्ज़ाम कैसे दिया था, सच्ची बताना, तो बताया कि क्वेश्चन लीक हुआ था ना, तो उसी से हम रंग आए थे। तो फिर बोले कि अब क्या करोगे, तो बोल रहा है कि अब क्या होगा पता नहीं उसका। तो देखिए ऐसे ही होते रहता है, ठीक है। और वो लोग चाह रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल, देखिए जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था ना, ठीक है, वो चाहे अदर स्टेट वाले का हो या मतलब लोकल का हो, यानी कि बिहार का हो, वो चाहे लड़का हो आपका या लड़की हो, उस जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा गया था ना, वो सब काफ़ी खुश था कि एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, ठीक है। बाकी और भी फिलहाल कोई अपडेट आता है तो वो आप लोग को बताएंगे, और आप लोग पढ़ने पर मैं फोकस कीजिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि बार अच्छे से एग्ज़ाम लिया जाएगा, बिकॉज
बिहार है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, ठीक है। और हाँ, आप लोग को अगेन रिपीट कर दें, 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, 7 और 15 को आप लोग को नहीं आना है, ठीक है, अगले आदेश तक। देखिए कब तक मैं आपका दोबारा डेट जारी करता है, और फिर मतलब समय लग जाएगा। अब इतना समझिए ना कि आपका समथिंग में 20 से 25 दिन लग जाएगा आपका, यानी कि दुर्गा पूजा क्रॉस करेगा आपका, तभी उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो आपका भाई मिलेगा आपको अब आपके सेंटर पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।